नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ के बकावंड ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायत के विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से परेशान हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से ग्रामीणवासी बूंद बूंद साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और मजबूरी में नाली के पानी को छान कर पीते हैं। इस समस्या को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के यूथ जिलाध्यक्ष और मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नीलांबर सेठेरिया के नेतृत्व में ग्राम पंचायत चंद गांव दो के ग्रामीण पेयजल की समस्या को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ब्लॉक जनपद कार्यालय में पहुंचकर जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान नीलांबर सेठिया से कहा कि इन दिनों विभिन्न ग्राम पंचायतों की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत चंद गांव में दो में मजबूरन नदी का नाले का पानी या फिर एक किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। कई लोग दिनों दिन बीमार पड़ रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि बकावंड में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनको नदी और नालों तक के पानी को साफ करके पीना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बद से बदतर हो जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। इसको लेकर ग्रामीणों के परिवारों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वहां के बच्चे भी बीमार हो जा रहे हैं इस दूषित पानी को पीकर। प्रशासन की अगर माने, शासन प्रशासन भी इस पे आंख मूंदे बैठा है और उस पे कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसको लेकर वहां के पंचायत और वहां के जनप्रतिनिधियों से शिकायत बराबर की जा रही है। और जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो आगे भी समस्याओं को रख रहे हैं, लेकिन अब तक निराकरण कोई भी हो नहीं पाया है। मजबूर हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता वरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बाकवंड में पानी की समस्या से ग्रामीणों को दो चार होना पड़ रहा है, काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं। इसका जो प्रार्थना पत्र वो भी दिया जा चुका है ताकि इसका प्रबंध कराया जा सके और लोगों को ये दूषित पानी ना पीना पड़े। अब तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या प्रयास है शासन प्रशासन का इस पे? पहले तो ये बात है कि जहाँ पे बड़े शहरों में सारी सुख सुविधाएं हैं, वहां ग्रामवासियों को पीने लायक पानी के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। जो पीने लायक पानी है वो एक किलोमीटर दूर है। जो ग्रामीण वासी है ये सारे आसपास जो पानी बरसात के दौरान इकट्ठा होता है उस पानी को छानकर और जो छोटे छोटे तालाब है उस गंदे पानी को छानकर वो पीने पे मजबूर है। त्रस्त होकर सारे ग्रामवासी इकट्ठे होकर उन्होंने पंचायत में ज्ञापन दिया और शासन प्रशासन को अवगत कराया कि जो परिस्थिति है इसमें कोई सुधार किया जाए। जी सर। वरुण, क्या प्रशासन की तरफ से अभी भी वहां पर, क्योंकि ये अगर आप बता रहे गंदा पानी आप पीने को मजबूर हैं तो एक लंबा समय हो गया होगा इस तरह की वहां पे व्यवस्थाओं को लेकर, जिससे ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तो क्या अभी अधिकारियों ने इस पर कोई सुनवाई नहीं करी है? कितने साल हो चुके हैं इसको? सर, समय तो काफी हो चुका है, ये पहली बार ज्ञापन नहीं दिया गया है, इससे पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन प्रशासन है कि टस से मस होने का सवाल नहीं कर रही और ना ही कोई कदम उठा रही है। ग्रामीण की जो हाल है वो ग्राउंड जीरो पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपके आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही घटिया स्थिति है। वरुण, ग्रामीण जैसा कि संज्ञान में आ रहा है कि ग्रामीण बराबर अपने प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या संबंधित मंत्री के पास, कि वहां के सीएम के पास जाके इसको लेकर क्या कोई ज्ञापन सौंपा गया अब तक? क्या सीएम की तरफ से भी इस पर भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया? क्योंकि गाँव की बात है, बड़ी संख्या की बात है, उसे काफी संख्या में लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे इनके दूषित पानी पीकर। जी, बीमार तो पड़ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में सिर्फ प्रशासन को ये इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। पहले भी प्रशासन से ही बात हुई थी, आम जनप्रतिनिधियों को बताया गया था, कोई किसी बड़े नेता से इन्होंने संपर्क किया नहीं है। बात चल रही है ग्रामीणों की और बहुत सारे ग्रामवासी ऐसे हैं जो कि जिनको भी जागरूक होने की जरूरत है, जो हमारी जो स्वयं की मजबूरी को कहीं ना कहीं भगवान का क्या कहा जाए
प्रकोप या ऐसा कुछ समझ के बैठे हुए हैं। बहुत जागरूकता की जरूरत है वरुण। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को अपना बड़ी संख्या में सीएम के पास जाकर अपनी इन समस्याओं को लेकर वहां पर निस्तारण की बात करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण स्वरोजगार स्थापित करने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास 2 अक्टूबर के दिन किया गया था ताकि ग्रामीणों को स्वरोजगार मिल सके। बता दें कि योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस योजना में विद्युत विभाग एवं सरपंच मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। अब देखना यह होगा कि इस समय इस मामले में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें पूरा मामला महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिमरकेल एवं ग्राम पंचायत गनेरकेरा का है। चार हमारे पास में रिफा के प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे सरायपाली ब्लॉक में अपने पास में एक सिरपुर है और एक वो है भूतिया। तो ये दो जगह का तो जो विभागीय तौर पे काम हो रहा है उनके एप्लीकेशन जो से आए हैं, और दो स्थान हैं अपने पास में बसना ब्लॉक के, एक है नवागांव और एक है चिमरकेल। तो इनका काम वो रीपा योजना के तहत विद्युतीकरण का काम चल रहा है, उसमें कार्य एजेंसी कौन है? इसमें ग्राम पंचायत है। विद्युतीकरण का कुछ अब उसका भी ग्राम पंचायत अब किससे करवा रहा है पता करना पड़ेगा, ये आपकी जानकारी में नहीं? पता कर लेंगे उसको। सर आपके अधीन ग्राम पंचायत आता है, इसकी आपकी आपको जानकारी नहीं है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को जो है संयुक्त रूप से मिलकर इसमें अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? गलत बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। अपन कार्य एजेंसी को दिए हैं, अगर कहीं अगर गलत हो रहा होगा तो पता करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। 2 करोड़ का है प्रोजेक्ट है सर, इसमें विद्युत विभाग का भी विद्युतीकरण यहाँ पर होना है जी, ट्रांसफार्मर लगने हैं और पोल भी लगने हैं जी। इसमें आपके द्वारा कितना भुगतान दिया किया गया है? 10,36,000। किसको भुगतान किया गया? 1,000 को। ठेकेदार का नाम क्या है? नीलेश कुमार डोंगरे है। नीलेश कुमार डोंगरे जी। खबर पिथौरा से, जहां हिंदू नववर्ष के अवसर पर पिथौरा में बरसात के पानी में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। इस दौरान लोगों ने खुली जीप में सवार श्री राम और हनुमान जी की जगह जगह नागरिकों ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि रैली का समापन गोविंद कमला गौशाला में श्री राम की महाआरती कर मिष्ठान वितरण कर किया गया। रायगढ़ के कोरवा वेस्ट रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य की अगुवाई में ग्रामीणों ने राजस्व न्यायालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और कंपनी के आर्थिक नाकेबंदी करने की भी सूचना दी और कहा कि आप कंपनी प्रबंधन से प्रभावित ग्रामीणों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई दिनांक 28 मार्च तक पूर्ण करने के लिए निर्देशित करें, अन्यथा प्रभावित ग्रामीणों अपने हक के लिए मजदूर होकर कंपनी की आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए बाध्य रहेंगे। जिसके बाद एसडीएम ने भी ग्रामीणों का ज्ञापन स्वीकार कर आगे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने की बात कही है। एसडीएम से क्या कुछ बात की और क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? जी, विगत एक माह पहले अडानी कंपनी के लैंड यूजरों के द्वारा जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा था, इसके विरोध में हम सब स्थानीय ग्रामीण जन अडानी कंपनी के विरोध में आंदोलन किए थे। उस आंदोलन के दौरान में एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी प्रबंधन और हमारे ग्रामीण जनों के बीच में वार्ता हो चुकी है, आज क्या कुछ आश्वासन दिया? जी हाँ, ये REGL अडानी कोरबा वेस्ट जो कंपनी है बड़े भंडार में सिचुएटेड, वहाँ पर के भू विस्थापित और जो वहाँ कर्मचारी हैं उनका ग्रुप है और इस संबंध में लगभग एक माह पूर्व एक प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। लगातार जिस तरह से रायगढ़ शहर का प्रदूषण का स्तर गिरता जा रहा है, उसको लेकर रायगढ़ जिले में उद्योगों के विस्तारीकरण को लेकर लगातार जन सुनवाई हो रही है। इसी क्रम में पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री संदीप अग्रवाल की अगुवाई में और बिरजू ठाकुर एडलरमैन की उपस्थिति में पर्यावरण अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि रोज जिले में हर दूसरे आदमी को श्वास रोग या चर्म रोग की शिकायत बढ़ती जा रही है। को ध्यान में रखिए सर, इस प्रकार का
इतना ज्यादा आती सर, एक भी एमओयू फाइन जो होता है कितने सारे उसमें नियम दायित्व तो बताए रहते हैं सर, है एक भी प्लांट रोड के अंदर, रोड से 500 मीटर के अंदर में रोड प्लांट होना चाहिए। आज 50% से ऊपर प्लांट जो रोड के ऊपर में बैठे हुए हैं, 50% से ऊपर प्लांट रोड के ऊपर बैठे हुए। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री रूपेश बघेल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा, लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की जा रही थी, वर्तमान में पत्रकारों के साथ जो स्थिति बनी है उसके बाद सुरक्षा प्रदान करना शासन की जिम्मेदारी हो जाती है, और साथ ही उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है। में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है, साथ ही जनहानि साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, चाहे पोर्टल के हो, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का, बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है। खबर सत्ती से, जहां जिले के हसौद में हिंदू नववर्ष के पर्व को लेकर भारतीय हिंदू नववर्ष आयोजन समिति ने विशाल शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा प्रारंभ करने से पहले सभी बाजार चौक में एकत्रित हुए, जहां पर सभी बाइकों पर केसरिया रंग के ध्वज लगाए और मंदिर वाद्य यंत्र और मंडली की झनक पर सभी श्री राम के जयकारों के से इस शोभा यात्रा को रवाना किया गया। मासूम के साथ हुए अनाचार के मामले के बाद कलेक्ट्रेट जज मेयर महोबे ने अतिरिक्त कलेक्ट्रेट इंद्रजीत बर्मन की अध्यक्षता में 5 जिला अधिकारियों के संयुक्त टीम बनाकर जांच समिति बनाई है, और कलेक्ट्रेट ने जांच समिति को गुरुकुल स्कूल में हुई लापरवाही के हर पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिया था। बावजूद एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी जांच समिति ने अब तक जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है, जिसके चलते जिले में आम जनता जिला प्रशासन को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब जांच रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी सामने आकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिला प्रशासन गुरुकुल में हुए दुष्कर्म मामले में किन किन लोगों और किन तरह से लापरवाही बरतने को लेकर आरोपी, जिसकी जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों कतरा रही है, या इसके पीछे कुछ और कारण है। अप्रिय घटना घटी थी, अनाचार हुआ था, उस पर जांच कमेटी बनी हुई थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, जैसी कार्रवाई होनी थी वैसी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित परिवार, समाज और पूरी जनता उस जगदलपुर में राम दरबार सजाया गया है, जहां सनातन धर्म महासभा द्वारा दंतेश्वरी मंदिर के सामने निर्मित राम दरबार मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण, श्री हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना पूरे विधि विधान के साथ की गई। साथ ही भक्तों ने पूजा अर्चना की है। बता दें कि हर रोज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे राम दरबार में पूजा के बाद आरती की जाती है। इसके अलावा हर रामायण और कथावाचक भी किया जाता है, 40 का पाठ, ऐसे करके विभिन्न प्रोग्राम यहाँ पे होते रहेंगे। 29 तारीख को हमारी महिला विंग के द्वारा आह्वान रैली निकाली जाएगी, जो कि रामनवमी के जो जुलूस निकल शोभा यात्रा निकलने वाली है उसके लिए लोगों को आह्वान करेंगे घर घर जाके, और 30 तारीख को सामूहिक रूप से सभी मिलके रामनवमी का शोभा यात्रा निकालेंगे। खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने अमित शाह के दौरे से पहले अपनी मौजूदगी दिखाई है। बता दें कि नक्सलियों ने आगजनी कर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया,
जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बता दें इस दौरान नक्सलियों ने आग में सैकड़ों की तादाद में पर्चे फेंके हैं। हिंदू नववर्ष पर संपूर्ण हिंदू समाज ने जय श्री राम और भारत माता की जय आदि जय घोष के बीच अकलतरा शहर में शोभा यात्रा निकाली है। इस शोभा यात्रा में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों युवा महिलाओं ने शामिल होकर जय श्री राम का उद्घोष किया और भगवा झंडा लहराते हुए लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। बता दें इस शोभा यात्रा में शामिल युवा धूमाल एवं डीजे की धुन पर नाचते झूमते दिखाई दिए। संध्या महाआरती होने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। विक्रम संवत का 2080वां वर्ष लगा है, उसको मनाने के लिए सर्व समाज और नगर के सभी लोगों के सहयोग से श्री राम चौक में ध्वजा पूजन और भंडारा का आयोजन, उससे पहले महामाया मंदिर से पूरे अगलतरा में एक महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। बता दें कि महिला रोड पर टहलने निकली थी, तभी आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी किया। महिला ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।